भोपाल में आज हमारे अपने बड़े नगरों को जोड़ने के लिए खासकर दूरस्थ अंचल के अंदर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, ये एयर टैक्सी सुविधा जो शुरुआत कर रहे हैं, आज उसके पहले जहाज का लोकार्पण करते हुए यात्रियों को रवाना करने का हमने आज ये कार्यक्रम किया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर हमारे माननीय खजुराहो के सांसद और श्रीमान प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी और हम सभी मित्रों के साथ आज यहाँ पर्यटन मंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एविएशन को लेकर, खास करके हवाई यातायात को लेकर के हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है, एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमने प्रारंभ कर दी है। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश तक जानकारी दोबारा दोहराना चाहूँगा कि किसी भी जिले में किसी भी मरीज को अगर कोई कारण से बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना हो, कोई स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर के, तो कलेक्टर और डॉक्टर दोनों डिसाइड करेंगे। उस आधार पर उसकी जान भी बचाई जा सकती है और उसको उसके जीवन के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करने के लिए प्रयास हम कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ी सौगात इसलिए दी कि सामान्य यात्री भी किसी को कहीं आना जाना हो आवश्यक रूप से इस हवाई यातायात की बुकिंग करके वो उसका लाभ ले सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन सौगातों के भरोसे से हमारे अभी तक के जो हवाई यातायात के अलावा केवल रेलवे और मार्ग से यातायात करते थे, सड़क मार्ग से, उसके अलावा ये तीसरा रास्ता खुला है। ऐसी अच्छी सौगात के लिए एक बार पूरे प्रदेश की जनता को बधाई और आप सबके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य हो गया है जो तीनों प्रकार की सुविधा देकर के, हेलीकॉप्टर की सुविधा जिसके भरोसे से वो अपने धार्मिक पर्यटन के केंद्र को बढ़ाने जा रहा है, एयर टैक्सी के माध्यम से सामान्य नागरिकों को ये सुविधा मिले, और तीसरी एयर एम्बुलेंस की सुविधा जो मरीजों से संबंधित है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में इन संस्थानों के पास में जो एविएशन के कोर्स है वो प्रारंभ होकर के एक बड़े पैमाने पर रोजगार का, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने का, आवागमन का ये सुगम संसाधन सबके लिए फलदायी होगा, शुभदायी होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई।